2017 कईलों में 13 बजट की शानदार फिल्मों के लिए याद किया जाएगा। पिछले हफ्ते विद्या बालन और नेहा धूपिया स्टारर तुम्हारी सुल्लू रिलीज हुई थी। दर्शकों को ये फिल्म भा रही है, इस वजह से शुरुआती दिनों में फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शन किया है। सोमवार को भी फिल्म ने 1.84 करोड़ रुपए की कमाई की है। तुम्हारी सुल्लू ने पहले 4 दिन में 14.71 करोड़ रुपए कमा चुकी है। इस फिल्म का बजट महज 17 करोड़ रुपए है। ये इस साल की हिट फिल्म बनने जा रही है। बता दें कि इस साल कम बजट वाली फिल्मों ने कमाई के मामले में सुपरस्टार्स और मोटे बजट की फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। आइए जानते हैं 2017 की मामूली बजट में बनी फिल्मों की कमाई के बारे में। 25 अगस्त को रिलीज हुई क्राइम थ्रिलर फिल्म बाबू मोशाय बंदूकबाज ने रिलीज के पहले ही दिन 2.05 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। डायरेक्टर कुशन नंदी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में नवाजुद्दीन ने कॉन्ट्रैक्ट किलर का किरदार निभाया है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 18.24 करोड़ रुपए की कमाई की। मेकर्स की माने तो फिल्म का बजट 5 करोड़ से कम था। इस साल कम बजट की फिल्म शुभ मंगलवार सावधान की कहानी दर्शकों को खूब पसंद आई। फिल्म का बजट 10 से 15 करोड़ रुपए के बीच था। सितंबर में रिलीज हुई फिल्म ने 41.90 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। ये साल की सुपरहिट फिल्मों में शामिल हुई। ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो चुकी फिल्म न्यूटन को दर्शकों ने खूब सराहा। देश के वोटिंग सिस्टम को लेकर बुनी गई इस फिल्म की शानदार कहानी ने दर्शकों पर गहरा असर छोड़ा। महज 9 करोड़ रुपए में बनी इस फिल्म ने करीब 22.18 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। छोट शहर की बिंदास लड़की के बड़े सपनों की कहानी पर बेस्ड फिल्म रेली की बफी में कृति सैनन और आयुष्मान खुराना की केमिस्ट्री भी शानदार रही। फिल्म का बजट 23 करोड़ बताया गया और इस फिल्म ने देश भर में 47 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। अक्षय कुमार की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा बॉक्स ऑफिस के हिसाब से उनकी अब तक की सबसे सफल फिल्म साबित हो चुकी है। ये अक्षय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। इस फिल्म ने 134 करोड़ रुपए की कमाई कर ली। बता दें अक्षय की ये फिल्म महज 18 करोड़ रुपए के बजट में बनी है। साल 1969 यश चोपड़ा ने अपने भाई बी आर चोपड़ा के प्रोडक्शन में बनी फिल्म इत्तेफाक की रीमेक फिल्म इत्तेफाक भी इस साल की मनोरंजक फिल्म साबित हुई। मर्डर मिस्ट्री पर बेस्ड इस फिल्म को भी दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। करीब 20 करोड़ के बजट में तैयार हुई इस फिल्म ने अब तक दुनिया भर में 43 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। 3 नवंबर को रिलीज हुई इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा, सोनाक्षी सिन्हा और अक्षय खन्ना लीड रोल में नजर आए।